क्या खास मकसद के लिए आप के पास जिन्नात है? हर एक नहीं बताएगा। देखे देखे मसला मसला जो है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जिन्नातों की बात है। हमारे अब्बा बैठ के जब जिक्र होता था, खाना दस्तरखान लगता था, चीज़ ये है कि वो कहते थे कि किसी ने कहा जिन्नात, वो कहते हैं यहाँ जिन्नातों से आगे की बात होती है। और मैं जो मैं बात करता हूँ, मुझे कहते हैं कि जी मौकिल ये वो चला रहे हैं, यूँ कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई यहाँ मौकिलों से आगे की बात होती है, उससे भी आगे की मखलूकें हैं जिनका तस्करा नहीं होता क्योंकि लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों का, उससे भी आगे की मखलूकें हैं। देखें सबसे बड़ा जो मैं एक बात बताऊँ आपको कि द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी, अल्लाह से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं है, भले कोई मौकिल हो या जिन हो। रन फॉर दैट इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर अ जिन, या ये कि रनिंग आफ्टर अ मौकिल या मलाइका, ये सब चीज़ें हाजिर होती हैं और चली जाती हैं, बट द ब्लेसिंग इज ऑलवेज देयर, गो फॉर द मेन थिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन बाकी ये कि मुझे ये कहते हैं कि जिन्नात है, मैंने कहा मुझे दिखा दो जिन्नात। और मैं तो बहुत सारे, मैं यूट्यूब पे मैं जब बैठता हूँ तो मैं पहले कहता था, अब तो मैंने कह कह के छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपके पास जिन्नात है, जो इल्म वाले लोग हैं, तो मैं कहता हूँ कि मुझे दिखा दो कहाँ है जिन्नात। अगर नहीं दिखाया तो मैं तुमको दिखाऊंगा जिन्नात के तुम्हारे पास जिन्नात है, और मैं दिखाऊंगा अगर तुम मुझे नहीं दिखा सके। मैं इस चीज़ में बहुत ही लाउड हूँ, यानी कि वो मेरी एक खास आदत है, यानी कि उसको, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एरोगेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ है, बहुत सारे लोग एरोगेंस कहते हैं, एरोगेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। मुझे हजरत अली के इल्म पे कॉन्फिडेंस है, ये इल्म बोलता है और अपनी जबान की तर्जुमानी करता है। ये चीज़ है बस, जिसका इल्म का एक बयान है।